बिहार के बड़े शहरों में जाम की परेशानी लगातार यात्रियों को खलती है। जाम से निजात कैसे मिले, इसका कोई उपाय तो जल्दी नहीं दिख पाता है, लेकिन अब प्रशासन ने उपाय खोज निकाला है। अब पटना में ऐसे जगहों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर जाम लगते हैं। राज्य के सभी प्रमुख शहरों व मार्गों पर लग रहे जाम को दूर करने के लिए 3 विभाग अब मिलकर काम करेंगे। प्रदेश में 452 ऐसे प्रमुख स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां जाम से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। पटना में सबसे अधिक ऐसे 129 क्रॉनिक पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों को जाम से मुक्त करने के लिए गृह विभाग की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग व 9 प्रमंडलीय आयुक्त के साथ बैठक हुई। ठोस व स्थायी समाधान निकालने के लिए आसपास के जिलों व संबंधित विभाग के अफसरों के साथ बैठक करने को कहा गया है। इसमें गृह विभाग के स्तर पर भी खास तौर से पहल की जाएगी। जहां लोकल स्तर पर हल हो सकता है, वहां इसकी पहल तुरंत करने का निर्देश प्रमंडलों या जिला के लोगों को दिया गया है। सभी प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर तुरंत लागू करने के निर्देश देंगे। आपको बता दें कि सभी जिलों को यह कहा गया है कि वो अपने अपने जाम के स्पॉट को 3 श्रेणियों में विभाजित कर लें। पहली, जिनमें जाम की समस्या के निराकरण का प्रस्ताव तैयार कर तुरंत क्रियान्वित किया जा सकता है। दूसरी, जहां प्रस्ताव तैयार हो गया है। तीसरी, जिन स्थानों के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं हुए हैं और समाधान के लिए दूसरे विभाग या मुख्यालय से मदद की जरूरत है, ऐसे संस्थानों से संबंधित प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। जो कुछ प्रमुख शहर हैं वो जानिए कहाँ पर जाम खूब लगते हैं। पूरे राज्य में हमने बताया कि आपको कि 452 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। पटना में 129 है, तिरहुत में 54 है, मगध में 52 है, पूर्णिया में 51 है, मुंगेर में 49 है, भागलपुर में 37 है, दरभंगा में 36 है, कोसी में 24 और सारण में 20 है। देखिए, हाजीपुर में एंट्री पॉइंट पर हमेशा लगने वाले जाम को लेकर पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली के डीएम बैठक कर हल निकालेंगे। विक्रमशिला पुल का पूर्वी भाग संकरा होने के कारण जाम लगता है, इसके लिए पटना की तरह अतिरिक्त बेस और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। जिन जिलों में पुल निर्माण की जरूरत है उसका प्रस्ताव डीएम भेजेंगे और अस्वीकृत प्रस्ताव को भी दोबारा भेज सकते हैं। छपरा बाईपास 12 साल से बन रहा है, इसका समाधान भी जल्द करने के लिए सारण आयुक्त ने कहा है। नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत से जुड़े 119 मामलों को भी 3 श्रेणियों में बांटकर इसका समाधान निकालना होगा। नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि इसमें सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे बिहार में 452 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ट्रैफिक की समस्या आ जाती है, लोग जाम में फंस जाते हैं। उन्हें जाम से निजात दिलाने के लिए प्रमंडलीय स्तर पर पहल शुरू हो गई है। जहां जो कमी है उसे पूरी करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पुल बनाने होंगे, पुल बनाए जाएंगे, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकालनी होगी, रूट डायवर्जन देखना होगा, तो इन तमाम चीज़ों को भी समझा जाएगा और इस पर फैसले लिए जाएंगे।